हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको डिज़ाइनर गला बनाना बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये बुकरम ली है और कुर्ती की कटिंग हमने पहले से ही कर ली है। तो ये हमने जो बुकरम की चौड़ाई ली है वो 10.5 इंच है इसकी, 10.5, और जो हमने इसकी लंबाई ली है वो 3 1/3 है, यानी कि 13.5 इंच है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड किया। अब यहाँ से हम गले के लिए निशान ड्रॉ करेंगे। तो जो हम गले की चौड़ाई रख रहे हैं वो रख रहे हैं हम 2.5 इंच, आप 3 इंच तक भी रख सकती हैं। और जो लेंथ है इसकी वो मैं 6 इंच रख रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी रख सकती हैं। यहाँ से भी 2.5 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे इसका। और ये गला है जो, ये बनता तो बहुत ही कठिन तरीके से है, लेकिन मैं इसको आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी जो कि आप बहुत आसानी से बना सकें। तो प्लीज़ बने रहिएगा। अब यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे, और ये मैं जितना मेरा बुकरम बचा हुआ है उससे मैं 1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगी, लेकिन अभी मैंने एक निशान ऐसे लगा लिया। अब यहाँ से गोलाई कर देंगे, ठीक है। अब हम 1.5 1.5 इंच पे पूरे में एक निशान लगाएंगे। पहले एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दिए हमने। अब हम यहाँ से पूरे में 1.5 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए लाएंगे इस तरीके से, पूरे ही गले में हम 1.5 1.5 इंच पे लगा लेंगे इस निशान को, और इनको हम इस तरीके से मिला देंगे यहाँ से करके सीधा मिला देंगे। तो यहाँ से एक दो निशान और लगा लेंगे 1.5 इंच पे, यहाँ से मैंने 1/2 इंच और बढ़ा दिया है इस निशान से। अभी टोटल 8 इंच है इसकी लेंथ। अब यहाँ से इसकी ऐसे ही हम कटिंग कर देंगे जैसे ड्राफ्टिंग की है, सेम उसी तरीके से कटिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा बुकरम को पहले हम निकाल रहे हैं, पेपर पेस्टिंग है ये, सॉरी। अब यहाँ से राउंड गले की कटिंग कर लेंगे। आप 2.5 इंच रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 2.5 इंच में जब सिलाई वगैरह करके ये 3 इंच ही हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से, और अभी इसी को, इसको नहीं कटिंग करना है, यही इसमें मेन चीज़ है। क्योंकि अगर पहले कटिंग कर लेते हैं तो कई बार बन नहीं पाता। अब देखिए हमने इस कपड़े के ऊपर को, इसके ऊपर प्रेस कर लिया, मेरा ब्रॉकेट का कपड़ा है। अब यहाँ से मैं कोनों के ऊपर कट लगा दूंगी। ये कोनों के ऊपर कट बहुत ज़रूरी है लगाने, इस तरीके से दूसरे कोने के ऊपर भी कट लगा देंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा है, ये मैंने 1 1 इंच कपड़ा रखा है, इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर। ये देखिए, आप कोई भी प्लेन कपड़ा का भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। और जितना भी कपड़ा है उसको पूरा ही हम इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे, और कोनों को अच्छे से फोल्ड करेंगे, ताकि क्योंकि ये हमें बाहर की साइड पलटना है तो इसमें फिनिशिंग होनी चाहिए। तो देखिए अच्छे से हमने फोल्ड कर लिए हैं। अब इनका कर लेते हैं हम सेंटर इस तरीके से, जो हमारा बीच का निशान पहले से ही है उसी को, उसी के बराबर हम एक गले के ऊपर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि अब हमें इसे गले के ऊपर सिलना है यहाँ से। अब देखिए हमने इसका सेंटर कर लिया है, उल्टी साइड से हमने सेंटर किया है, ये भी ध्यान रखें आप। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो कुर्ती है हमारी उसका भी सेंटर कर लेते हैं। ये हमारी कुर्ती का कपड़ा है, अब इसको इस तरीके से रखेंगे और इसका भी हम ऐसे सेंटर कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको खोलेंगे, और ये जो कुर्ती की उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड है, और हम इसे सीधी साइड को पलटेंगे। तो हम उल्टी साइड को इस तरीके से सिलाई लगा देंगे पहले राउंड गले के ऊपर ही, यानी कि जो भी सीधी लाइन है उसके ऊपर नहीं लगाएंगे सिलाई, सिर्फ गले के ऊपर ही लगाएंगे। पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा जो नीचे वाला पैटर्न है उसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। अब इसको अच्छे से सेट करके, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, उसी निशान को देखते हुए अब पूरे राउंड में लगाएंगे। तो देखिए हमने उसी को साइड में घुमा दिया है। अब यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। अब जो दूसरी साइड है उसको भी हम सेम ऐसे ही यहाँ तक सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमने इसको भी सिल लिया है। अब हम 1 फुट का मार्जिन रखते हुए जो हमारा सेंटर का निशान था, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा साइड में लिया है मैंने, और फिर इसको सेंटर से फिर एक, क्योंकि बीच में सही से कट करेंगे हम तो, अगर सेंटर में से ही सिलाई लगा देंगे तो फिर ये छोटा बड़ा होगा, तो इसीलिए सेंटर से थोड़ा सा हमने साइड में करके लेके, और फिर इस तरीके से अब यहाँ से धागे को कट कर देंगे।
और इस जो मैं गला बना रही हूँ ये आप किसी भी सलवार स्लैक्स के मैचिंग के हिसाब से, इनकी लेगिंग्स के हिसाब से बना सकती हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर रहे हैं, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया है कटिंग, अब इसे सेंटर से कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने सेंटर से साइड में इधर 1 फुट इधर 1 फुट इधर थोड़ा थोड़ा एक पैर का मार्जिन। अब देखिए ये हमने कर लिया है, अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, हमने कट लगा लिए। अब इसको हम राइट साइड को ऐसे कर देंगे, मोड़ देंगे। तो देखिए हमने राइट साइड को इसको अच्छे से मोड़ लिया है। अब हम एक सिलाई इसके ऊपर से लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। तो हम इसको इस तरीके से रखते हुए बराबर और सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ से भी देखिए इसको अच्छे से खींच के हम तब सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है गले के ऊपर, अब देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग है। अब उसके बाद ये हमने छोटे छोटे एक डोरी बना के लूप्स कट कर लिए हैं 2-2 इंच के, और ये हमने एक पट्टी ले ली है 2 इंच चौड़ी। अब इसको इस तरीके से और ऊपर से ज़रूर सिल लें जैसे कि हमने सिला है, और इसको इस तरीके से रखेंगे। उल्टी साइड को रख रही हूँ मैं, और करीबन 1/2 इंच निकाल के रख रही हूँ, ये भी ध्यान रखें। और ऊपर से अच्छे से सिलें, और इसको नीचे तक हम बिल्कुल 1/2 इंच के बराबर ही रख के पूरा सिलाई कर देंगे, और फिर यहाँ से धागे को कट कर देंगे अच्छे से। पक्का करके धागे को कट कर देंगे। अब जो हमने लूप्स लिए हैं उनको किस तरीके से लगाना है, जितने भी आप डिस्टेंस दे के लगाना चाहती हैं। अब देखिए एक लूप्स लेंगे और इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। शुरुआत ऊपर से ही करें, ऐसे अच्छे से पक्का कर लें यहाँ से, और फिर नीचे तक लगाएंगे। तो देखिए उसको हमने लगा लिया, फिर दूसरा लूप्स लेंगे, उसको भी हम ऐसे ही इसको उठा के और ऐसे ही लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर करके और सिलाई लगा देंगे यहाँ पे भी। अब हम तीसरा लेंगे, तो टोटल हमें सभी लूप्स ऐसे ही लगाने हैं। तो देखिए हमने लूप्स लगा लिए हैं। अब हम ये लेस लेंगे और इस लेस को जो हमारा गला है इसके ऊपर लगा देंगे। आप चाहें तो लूप्स पूरे राउंड में भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसे ज़्यादा हैवी नहीं बनाना चाहती, मैं सिर्फ इसे हल्का सा मतलब फैंसी लुक बीच में से ही देना चाहती हूँ। तो देखिए मैंने चारों तरफ से लगा ली है ये लेस। अब हमने ये मोटे वाले बीट्स लिए हैं, अब इन बीट्स को हम इनके अंदर लगाएंगे। आप चाहें तो खाली ऐसे ही रख सकती हैं या कोई बटन भी लगा सकती हैं, लेकिन जो मेरे ये बीट्स हैं तो इनको हम ऐसे लगा लेंगे इसके अंदर ही, अच्छे से सेट कर लेंगे और नीचे से धागा लगा के निकाल के पूरे में लगा लेंगे। तो देखिए बनने के बाद में किस तरीके से लुक आया है इसका। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पूरा मैंने दिखा दिया है, और इसके बॉटम पे और इसके बाजू भी हम आपको बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखना। धन्यवाद।